हर चाट को चटपट बनाता है काला नमक। आइए जानते हैं ये काला नमक आखिर बनता कैसे और कितनी मेहनत लगती है इसको बनाने के लिए। सबसे पहले गाय के उपले लिए जाते हैं, उसको ऐसे ब्रिक वर्क में लगाया जाता है मैन्युअली, और ये बीच में छेद कर रखे कि आग अच्छे से लग सके। इन उपलों को एक के ऊपर एक लगाया जाता है, उसके ऊपर से यहाँ पे कच्चे कोयले डाले जाते हैं। इसके ऊपर कच्चे कोयले का पूरा एक बेड बनाया जाता है कि अच्छे से इसको फैला दिया जाए। तो फैलाने के बाद उपलों के अंदर यहाँ पे एक रबर की जो ट्यूब है उसको जलाया जाता है, और रबर की ट्यूब जो है काफ़ी कम ऑक्सीजन लेती है जलने के लिए, लेकिन ये बड़ा डेंजरस पाता है, अगर आप पे गिर जाए जलता हुआ रबर तो ये आपकी स्किन तक जला सकता है। उसके बाद फिर उपले लगाए जाते हैं, एक लेयर बना दी जाती है कि ये जो हीट है काफ़ी हाई टेम्परेचर पे जाए। उसके ये स्पेशली घड़े लिए जाते हैं, ये घड़े स्पेशली इसलिए बनते हैं कि वन टाइम यूज़ हो सके, और ये स्पेशली इसके ऊपर मिट्टी लगाई जाती है कि जो काला नमक है वो अच्छे से बन सके। तो एक लास्ट लेयर लगा के इन घड़ों को इस तपती हुई आग में लगाया जाता है, और आप देखो लाइन से एक साथ कितने सारे घड़े लगाए जा रहे हैं, और ये सब काम मैन्युअली होता है। और दिखाइए ये देखिए अभी इसमें पैर लगा के जा रहे हैं फिर भी ये जल रहा है, बड़ी मेहनत का काम है। हम तो दो मिनट में जबान का स्वाद चटकार लेके चाट का खा लेते हैं, लेकिन बनाने में कितनी मेहनत लगती है हमें नहीं पता। ये सब होता है यूपी स्टेट के अंदर, और वहीं से आता है सबसे ज़्यादा मिलने वाला काला नमक। अब जो उपले उसको मटकों के ऊपर लगाया जा रहा है कि जो हीट है वो इवनली स्प्रेड हो। अब ले रहे ये मोटा सेंधा नमक, जिसको हर एक ये पॉट के अंदर इसको भरेंगे, कम से कम 4 से 5 किलो डालते हैं इसमें, लेकिन ये अंदाजे से डाल रहे हैं इसको इस वक्त यहाँ पे। और एक बार सारे ये नमक भर जाए, थोड़ी देर बाद इसमें जाती है साबुत हरद। हरद एक नेचुरल इंग्रेडिएंट है जो आपकी बॉडी डिटॉक्सिफाई करता है। इसका सस्ता वर्जन भी बनता है जिसमें बादाम की छिलका डाला जाता है। तो अगर क्वालिटी आपने काला नमक खाना है तो वो हरद से बना होना चाहिए, ना कि बादाम के छिलके से। अब देखिए ऊपर से भी कोयला डाला जा रहा है, ये इतना कोयला, इतना उपला, इतनी लकड़ इसलिए लगा रही है कि ये 24 घंटे बेक होएगा, और इसके ऊपर अब ढक्कन दिया जा रहा है। तो 24 घंटे के बाद ये काम होता है लेयरिंग के अंदर। तो ये जो लॉट है ये कल मिलेगा, जो आज का जो लॉट है जो तैयार है उसमें से ये निकाल के दिखा रहे हैं, और अभी भी ये काफ़ी गर्म है, काफ़ी हीट रिटेन कर रखी है इसने। तो इसको ऐसे तोड़ दिया जाता है, और इसमें से एक ऐसा काला क्रिस्टल टाइप निकलता है जब इसको तोड़ा जाता है, और यही से पूरे देश में जाता है ये काला नमक, जिसको आप अपनी चाट में डालते हो, चटपटा खाना बनाते हो, शिकंजी में डालते हो। इतनी मेहनत लगती है काला नमक बनाने के लिए।